नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ चेतना चौधरी। चलो रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कमेंट पर माफी मांगने से इनकार किए जाने को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ओर से राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया गया था। बाद में राज्यसभा की कार्यवाही 26 दिसंबर तक स्थगित कर दी गई। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने रेडिएशन से बचने का नायाब तरीका अपनाया है। आज संसद में प्रकाश जावड़ेकर अपने मोबाइल के साथ हैंडसेट लेकर पहुंचे। उन्होंने हैंडसेट को अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट कर रखा था। जब प्रकाश जावड़ेकर मोबाइल से जुड़े हैंडसेट को लेकर पहुंचे तो लोगों में इस बात को लेकर काफी उत्साह था और लोग उनके इस नए तरीके को देखने में जुटे हुए थे। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री पद का चयन करने के लिए पीटर हाफ में आयोजित बैठक के दौरान खूब राजनीतिक ड्रामा हुआ। भाजपा केंद्रीय पर्यवेक्षक रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र तोमर के समक्ष पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम सिंह धूमल के समर्थकों ने जोरदार नारेबाजी की। धूमल समर्थकों ने तर्क दिया कि प्रदेश के लोकसभा की चारों सीटें जीतने के लिए जरूरी है कि धूमल को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। इसके जवाब में मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार जयराम ठाकुर के समर्थकों ने भी जोरदार नारेबाजी की। मुंबई के हाई प्रोफाइल आदर्श सोसाइटी मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को राहत मिल गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण पर गवर्नर सी विद्यासागर द्वारा दिए गए मुकदमा चलाने के आदेश को रद्द कर दिया है। बता दें कि राज्यपाल ने बीते मार्च में ही अशोक चव्हाण पर केस चलाने के निर्देश दिए थे। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 99 सीटों का आंकड़ा अब 100 सीटों पर पहुंच गया है। दरअसल लुनावाड़ा के निर्दलीय विधायक रतन सिंह राठौड़ ने बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया है। इस संबंध में निर्दलीय विधायक रतन सिंह राठौड़ ने राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली को एक पत्र लिखा है। बता दें कि रतन सिंह राठौड़ को इस चुनाव में कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया था, जिसके बाद उन्होंने लुनावाड़ा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। दिल्ली के आश्रम में महिलाओं और नाबालिगों के कथित यौन शोषण के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित को 4 जनवरी तक पेश करने का आदेश दिया। हाई कोर्ट ने इस मामले में बाबा वीरेंद्र के 8 आश्रमों की लिस्ट और डिटेल मांगी है। कोर्ट का कहना है कि ऐसा ना करने पर उनके खिलाफ वारंट जारी किया जाएगा। बिहार के समस्तीपुर जिले के हसनपुर में बेखौफ अपराधियों ने आरजेडी नेता हरे राम यादव के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। गोली उस समय मारी गई जब वे रोज की तरह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकले थे। खबर के मुताबिक हरे राम यादव को बाइक सवार अपराधियों ने रास्ते में रोककर उनका हालचाल पूछा और उन्हें गोली मारकर फरार हो गए। उत्तर प्रदेश की राजनीति के कई दिग्गज समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश के 2 मंत्रियों आरके चौधरी और स्वामी ओमवेश सहित आधा दर्जन लोगों को पार्टी में शामिल कराया। बता दें कि आरके चौधरी ने बीएसपी से अलग होकर BS4 पार्टी बनाई थी। उन्होंने इस पार्टी का SP में विलय कर लिया है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार नेताओं को नए साल का गिफ्ट देने जा रही है। योगी सरकार जल्द ही नेताओं और जनप्रतिनिधियों पर दर्ज वैसे मुकदमों को वापस लेने की तैयारी कर रही है जो उन पर आंदोलन और धरना प्रदर्शन के दौरान किए गए थे। सरकार ने करीब 20,000 ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार की है जिन पर राजनीतिक चरित्र के मुकदमे वर्षों से दर्ज है और उन्हें बेवजह अदालतों के चक्कर काटने पड़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने KP शर्मा ओली सहित नेपाल के शीर्ष नेताओं से आज फोन पर बातचीत की और उन्हें गठबंधन की शानदार जीत पर बधाई दी। ओली का नेपाल का अगला प्रधानमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। काठमांडू में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल की ओर से बयान जारी किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित कर अमेरिका से यरूशलम को इजराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता देने के फैसले को वापस लेने को कहा है। तुर्की और यमन की ओर से पेश इस प्रस्ताव का भारत समेत 128 देशों ने समर्थन किया, जबकि अमेरिका और इजराइल समेत सिर्फ 9 देशों ने ही प्रस्ताव के विरोध में वोट दिया। 35 देशों ने प्रस्ताव पर मतदान में हिस्सा नहीं लिया। अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने संकेत दे दिया है कि उसने अडानी ट्रांसमिशन को अपने मुंबई के पावर बिजनेस को बेचने के लिए एक करार पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। ये पूरी डील करीब 18,800 करोड़ रुपए की है, जिसके तहत वे मुंबई के पावर बिजनेस की 100% हिस्सेदारी की बिक्री करेगा, जिसमें कई एकीकृत व्यवसाय ट्रांसमिशन और बिजली का वितरण भी शामिल है। भारतीय कप्तान विराट कोहली और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा की कल दिल्ली में रिसेप्शन पार्टी हुई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई, लेकिन इन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह रही कि अनुष्का शर्मा ने अपने रिसेप्शन पर खूब डांस किया। इतना ही नहीं बल्कि टीम इंडिया के ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन ने भाभी अनुष्का के साथ जमकर ठुमके लगाए।
टीम इंडिया से बाहर चल रहे विस्फोटक बल्लेबाज सुरेश रैना ने अगले साल जनवरी में इंडियन प्रीमियर लीग के 11वें संस्करण की नीलामी से ठीक पहले यो-यो टेस्ट पास कर लिया है और अपनी फिटनेस में वापसी के संकेत भी दिए हैं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि नए साल में रैना की जल्दी वापसी हो सकती है। 31 साल के रैना करीब एक साल से टीम से बाहर चल रहे हैं। साल 2017 की मोस्ट अवेटेड फिल्म आज सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और लोगों की भीड़ खींचने में कामयाब रही। सलमान का एक्शन अवतार दर्शकों को एक बार फिर से पसंद आया है। फिल्म में सलमान और कैटरीना 5 साल बाद फिर से वापसी कर रहे हैं और साथ में रोमांस करते हुए नजर आ रहे हैं। फिल्म साल 2013 में अली अब्बास जफर के निर्देशन में बनी फिल्म एक था टाइगर का सीक्वल है। मेरे साथ बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।